फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह गिनेस क्लब में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी क्या हुआ है, अब तुमने डीडी का फॉर्म भरा है और बहुत सारे लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किया है और इसमें जीएस का क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में हम लोग पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि माउंट विशन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी। देखिए दोस्तों, बात हो रहा है किसका, माउंट विशन। माउंट विशन जो है यहाँ हमारा देश में नहीं है, ये अंटार्कटिक देश है, एक महाद्वीप है वहां पर है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा जो है वो क्या थी, माउंट विशन पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला तो है ही, साथ में दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट विशन पर चढ़ाई की हो। अब बात करते हैं, अब तीन ऑप्शन और दिया हुआ है। ओके दोस्तों, ये लोग कौन है, तो दिया है कौन, बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल जो है वो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कहां पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है, बछेंद्री पाल है, नहीं भारत, ठीक है, भारत की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट की फतह की थी फर्स्ट टाइम। अरुणिमा सिन्हा जो है इनको हम बोल सकते हैं कि दुनिया की पहली महिला है जो माउंट विकलांग महिला, दुनिया की पहली विकलांग महिला है जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट फतह किया था। तीसरा है कौन, संतोष यादव। संतोष यादव दुनिया की ऐसी पहली महिला है जो दो बार, कितने बार, दो बार माउंट एवरेस्ट फतह की थी। और लास्ट में दिया है प्रेमलता अग्रवाल, ये सबसे अधिक एज में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला है। कौन, प्रेमलता अग्रवाल, जो कि 48 इयर्स के उम्र में माउंट एवरेस्ट जैसा ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि माउंट विशन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी, वो थी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए बात हो रहा है क्या, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा महानदी। क्या होगा दोस्तों, महानदी। लेकिन और भी नदी का नाम दिया हुआ है दोस्तों, तो वहां पर भी कोई ना कोई डैम या बांध तो होगा ही, जैसे सतलुज नदी। तो सतलुज कौन है, भाखड़ा नंगल, कौन है, भाखड़ा नंगल डैम है, ठीक है। उस पर कावेरी, कावेरी पर कौन है, कलनई, कौन है, कलनई बांध, जो कि विश्व का सबसे पुराना में नंबर चार पाता है बांध में, विश्व में जितने बांध बने हैं तो सबसे पुराना बांध में चार नंबर पाता है कौन, कलनई बांध, जो कि तमिलनाडु में है। और एक का है भागीरथी, तो भागीरथ में गंगा बोलते हैं, गंगा की एक सहायक नदी है कौन, भागीरथी। तो भागीरथ पर जो बना है वह टिहरी बांध, इसका एक और नाम भी है राम तीर्थ सागर बांध। क्या नाम है, राम तीर्थ सागर बांध। ध्यान रहेगा दोस्तों कि टिहरी बांध का एक और नाम भी होता है, क्या, राम तीर्थ सागर बांध, ठीक है दोस्तों। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, सतलुज पर कौन है, भाखड़ा नंगल है, कावेरी पर कौन है, कनई, कौन, कलनई, और भागीरथी पर कौन है, टिहरी बांध या फिर राम तीर्थ सागर बांध। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया कि सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है सोलर सिस्टम बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो होता है सिलिकॉन। कौन होता है दोस्तों, सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन का यूज होता है कहां पर, सौर सेल बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है यंत्रीकृत उद्योग के युग से पहले भारत के कौन से सामान अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजारों में हावी थे। मतलब सिंपली बोला है कि जब यंत्र का जमाना नहीं था, मतलब मशीनें नहीं आई थी, तब भारत के साथ कौन सा उद्योग था जो विश्व में भी फल फूल रहा था, तो दोस्तों वो था रेशम और सूती का सामान, ठीक है। यही था जो, जब यंत्र नहीं थे भारत में, तब रेशम और सूती के वस्त्र जो थे सामान थे, पूरा दुनिया में फेमस थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या दिया है? सांख्यिकी, सांख्यिकी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कौन सा संगठन है? ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश में तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, और आपसे ये पूछ दे कि हु इज द स्टेटिस्टिक मिनिस्टर, तो इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। क्या नाम है दोस्तों? राव इंद्रजीत सिंह। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह जो है वो क्या है? सांख्यिकी मिनिस्टर है। कहाँ का? भारत का। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। और ध्यान दिया जाए इस ऑप्शन में, जहाँ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन दिया है और यहाँ केंद्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। एक जगह राष्ट्रीय है, एक जगह केंद्रीय है, तो ये यहाँ बैठा लीजिएगा कि केंद्रीय नहीं क्या होगा, राष्ट्रीय होगा। आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ा एक मार्शल आर्ट फॉर्म है? क्या है दोस्तों? मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो आपके ऑप्शन में चार चीज दिखाई दे रहे होंगे, सिलंबन, थोड़ा, कलारी पैट और थांगता। ये चारों के चारों जो है ना मार्शल आर्ट का ही फॉर्म है, बस सबका अलग अलग स्टेट है। आइए जानते हैं पहले ये। तो सिलंबम जो है ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है। कौन? सिलंबम। ये थोड़ा है ना, थोड़ा ये आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट का फॉर्म है। अब कलारीपयट्टू, जो कलारीपयट्टू दिया है ये केरला का मार्शल आर्ट का फॉर्म है। और उसके नीचे दिया हुआ है थांगता, थांगता जो है मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कहाँ का? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का क्या होगा? सिलंबम। कौन? सिलंबम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि दांतों की सड़न कब शुरू होती है? किसका? दांतों की सड़न। दांत जो है ना तब सड़न लगता है जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है। मतलब दांत हमारा तब सड़न लेगा जब मेरा हम लोग के जो मुंह है उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम होगा, बेसी होगा। तो कितना से कम होगा, कितना से बेसी होगा ये जानना है। तो दोस्तों दांत हमारे तब सड़ने लगेंगे जब हमारे मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होंगे। कैसे? 5.5 से अगर कम होंगे तो दांत सड़ने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो कभी भी मुंह के ना पीएच मान 5.5 से कम मत होने दीजिएगा, नहीं तो कम हो गए बाबू तो दांत सड़ जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल्म, एक फिल्म का नाम दिया हुआ है, नाम क्या है? भुवन सोम। भुवन सोम का निर्देशन किसने किया था, मतलब कि इसका कौन थे निर्देशक भुवन सोम के? तो भाइयों इसका आंसर होगा मृणाल सेन। क्या होगा? मृणाल सेन, ऑप्शन डी। मृणाल सेन, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक का एक नाम दिया हुआ है इन माई मदर्स हाउस, इसके रचयिता कौन है? किसने लिखा था इन माई मदर्स हाउस? ठीक है दोस्तों, तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, सारिका थिरानागम, राजीवा विजय सिंह, श्याम सेल्वादुरै, निहाल डिसिल्वा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सारिका थिरानागम, आंसर ए। आंसर क्या होगा? ए, जिन्होंने कौन सा फिल्म लिखा था? इन माई मदर्स हाउस। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जिसकी स्थापना 1906 यानी 1906 में हुई थी? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ये किस शहर में है? यहाँ पर चार शहर का नाम दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों देहरादून। कहाँ पर? देहरादून में है। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारे देहरादून शहर है वहाँ पर स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? देखिए बात हो रहा है किसका? विश्वामित्र। तो पहले जानते हैं कि विश्वामित्र है कौन।
अगर आप लोगों ने रामायण देखा हो तो उसमें एक संत थे जिनका नाम था विश्वामित्र। एक्चुअली विश्वामित्र पहले संत नहीं, पहले क्या थे, एक राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, एक राजा हुआ करते थे। बाद में वो संत बन गए, बहुत तपस्या करके बहुत बड़ा संत बन गए, और तब उनका नाम क्या हो गया, महर्षि विश्वामित्र। तो एक ही आदमी है वो, कौन, विश्वामित्र, जो बहुत बड़ा प्रतापी, बहुत ही प्रतापी राजा भी था और महर्षि भी बना बाद में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, क्या है कि विश्वामित्र का टीला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्वामित्र का टीला जो है हरियाणा में स्थित, कहाँ है, हरियाणा में। याद रखिएगा आप लोग कि विश्वामित्र का टीला जो है हरियाणा में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ये बात आती है ना ग्रामीण बैंक, जानते हैं पहले कि ग्रामीण बैंक है क्या। जैसे कि मान लीजिए अभी तो बहुत सारे बैंक गांव में खुल गई है, लेकिन पहले ग्रामीण बैंक ही सहारा था ग्रामीणों का, अकाउंट में लोन लेना हो चाहे जो भी करना हो, वो जा जाते हैं कहाँ से, ग्रामीण बैंक में। तो ग्रामीण बैंक जो है इसका स्थापना जो किया था मोहम्मद यूनिस ने किया था, कब किया था, 1983 में। याद रखिएगा, कुछ देर कब, तो 1983 जब कपिल देव जीता था ना वर्ल्ड कप, उसी साल में स्थापना हुआ था, किसका, ग्रामीण बैंक का। जनरली जो है ना मोहम्मद यूनिस ये भारतीय नहीं थे, ये बांग्लादेश थे, कहाँ के, बांग्लादेशी थे। तो उन्हीं का कंसेप्ट है, क्या ये उन्हीं का एक कंसेप्ट है, क्या थी, ग्रामीण बैंक का, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है भाई, मोहम्मद यूनुस, और इन्होंने इसका स्थापना कब किया, 1983। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ए फोर एप्पल होता है, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिस पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान से जो करना चाहते थे उसका उल्लेख किया है, उस पत्रिका का नाम क्या है। क्वेश्चन यह है कि जिस पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान से जो करना चाहते थे, ठीक है ना, उसका उल्लेख उन्होंने किया, तो उस पत्रिका का नाम क्या है। तो महात्मा गांधी जो थे ना एक ही पत्रिका करते, नाम क्या था उसका, यंग इंडिया, जो खुद लिखते थे, ठीक है। तो इस बात का चर्चा भी उन्होंने यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसी में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब आंसर हुआ ए। अब महात्मा गांधी कौन मालूम है आप लोग को है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो यह एक गतिविधि है जो इससे जुड़ी हुई है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधन का हम दोहन करेंगे तो नुकसान तो हम लोग करते हैं ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए मार कोयला यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्या हुआ, आने वाले दिन में कोयला ही समाप्त हो जाएगा। तेल यूज हो रहा है, गैस, पेट्रोलियम सब यूज कर रहे हैं हम लोग जी, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही तो है और इसका हम लोग यूज किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ वही बोलेगा, जब दोहन किया जा रहा है इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कहाँ आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग, कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिए सिंपल बात, सूर्य के प्रकाश से प्रिज्म प्राप्त करना है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो उसको कांच के प्रिज्म का जो उपयोग किए थे उनका नाम था क्या, आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। अब सर आइजक न्यूटन का नाम तो आप सबने सुना होगा, ये कोई नया नाम नहीं है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया वही थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे ना, सेब के पेड़ के नीचे बैठे सो रहे थे, ऊपर से पेड़ गिरा, ऊपर से सेब का फल गिरा है उनके सर पर। अब वो बंदा सोचने लगा, अरे कि ऊपर से गिरा तो मेरे ऊपर नीचे क्यों गिरा, ऊपर कहने गया। तो वहीं से खोज के क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, और इन्होंने ही
कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, किसके लिए? सूर्य से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, आइजक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एक औपचारिक दस्तावेज है जिसके जिसमें केवल उच्च न्यायालय या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी सरकार को अदालत का आदेश होता है। क्या होता है? सरकार को अदालत का आदेश होता है। क्वेश्चन दोस्तों ये बोल रहा है कि वो कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट यानी सरकार से क्या सरकार को आदेश देती है कि ये चीज करो। तो उसका आंसर दोस्तों होगा रीट। क्या होता है? रीट। रीट के माध्यम से ही सरकार जो होती है ना, सरकार से बात करती कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बात करते हैं समन। तो समन क्या होता है? इसमें भी समन कभी कोर्ट भी देता है या फिर थाना भी देती है, पर जितना भी सरकारी तंत्र है ना उनको अधिकार है समन करने का। किसको? किसी को, हमको भी आपको भी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई इल्जाम हम पे लगाया गया, कोई इल्जाम हम पे लगाया गया, चोरी का इल्जाम लगा दिया, मान लीजिए हम पे लगा दिया गया, और तब हमको थाना से आएगा बुलावा, हमको समन आएगा, चलिए हाजिर हुई, हम वहां हाजिर होंगे, वहां हमसे क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बोले नहीं भैया, कुछ नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है? समन देके होता है। वहां हमको प्रूफ करना होता है कि नहीं भैया हम गलत नहीं है, आई एम नॉट गिल्टी, ठीक है। लेकिन वहीं अगला दिया है दावा। दावा कोई बड़ी बात नहीं है। दावा क्या होता है? किसी भी संपत्ति का दावा करना, मतलब ये मेरा चीज है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये सब क्या दावा यहाँ हो जाता है, ठीक है। और एक दिया अनुबंध। अनुबंध क्या होता है? दो लोगों के बीच होता है, लाइक एग्रीमेंट है ये। क्या है ये? ये एक एग्रीमेंट होता है, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, जो भी एग्रीमेंट को हम लोग अनुबंध बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कभी भी अगर सरकार को ऑर्डर देना हो, किसको? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, तो रीट के माध्यम से ही ऑर्डर देती है। इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर, विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को डैश 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 का अधिकार है। देखिए सिंपल सी बात है, बात यहां पर यह है कि जो लैंग्वेज या फिर प्रजाति है, माने कि इंसान की प्रजाति बोलिए, चाहे एनिमल की प्रजाति बोलिए, जो भी है, चाहे पेड़ हो, ठीक है, जो लुप्त होने लगती हैं, मतलब कम हो जाती हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग है, संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं उसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, संरक्षण। ओके, तो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को संरक्षण का अधिकार होता है। क्या होता है? संरक्षण का अधिकार होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रणाली जिसमें स्थानीय किसानों को एक बगान के भीतर अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी जाती है, कहलाती है क्या? उसे बोलते हैं हम लोग तुंग्या की खेती। क्या बोलते हैं उसको? तुंग्या की खेती। तुंग्या की खेती में क्या होता है कि बगान के अंदर अस्थायी रूप से, मतलब कि आप परमानेंट नहीं है, वहां कुछ खेती कर सकते हैं बगानों में, ठीक है, वो क्या होता है? तुंग्या की खेती। लेकिन इस ऑप्शन में कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। शिफ्टिंग क्या होता है? जो शिफ्ट हो जाता है खेती, क्या हो जाता है? जो खेती करते हम लोग हैं तो शिफ्ट कर देते हैं, वो क्या होता है? शिफ्टिंग हो जाता है। वही बोला है क्या? गहन खेती। गहन खेती जहां वहां होता है जहां घनी आबादी हो, जहां बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, और जहां पर जमीन जो है ना खेती करने वाला बहुत कम हो, मात्रा में हो, वहां पर गहन खेती वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है, ठीक है। और एक क्या दिया हुआ है? व्यापक खेती। व्यापक खेती में क्या होता है? पहले ग्रामीण एरिया में होता है सबसे, ठीक है। व्यापक खेती में तो जमीन बहुत होता है, जमीन जो होता है बहुत होता है, ठीक है। तो वहां खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, उपज भी बहुत होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गहन खेती नहीं होता है उसका, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और चार ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया गया क्या क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है कि कौन सी गैस पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो दोस्तों ये हम लोग
क्लास 3 या 4 में पढ़ते हैं कि पराबैंगनी किरण जो आती है सूर्य से, उसको ओजोन लेयर, कौन सा ओजोन गैस ही है जो रोकती है, ठीक है ना। और आजकल क्या है, ओजोन गैस जो है ना उसका परत में छेद हो गया है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पर आ रही हैं, और जिससे क्या होता है स्किन कैंसर टाइप का रोग हो रहा है, नाना प्रकार का रोग हो रहा है, ठीक है। तो पॉल्यूशन को रोकना जरूरी है। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, ओजोन, क्या होगा आंसर इसका, ओजोन। तो आंसर हुआ डी, क्या आंसर होगा डी, मतलब ओजोन माने क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है O3, क्या होता है O3, ध्यान रहेगा ओजोन को क्या बोलते हैं हम लोग, O3। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के उत्तरी भाग में खरीफ की फसल के रूप में, भारत के उत्तरी भाग में खरीफ के फसल के रूप में और भारत के दक्षिणी भाग में रबी के फसल के रूप में क्या उगाया जाता है। देखिए नाम आया है खरीफ और रबी, ठीक है, जानते हैं फसल के टाइप, फसल का टाइप होता है 3 तरह का, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी, एक होता है जैद। क्या होता है, जैद। खरीफ जो होता है ये आपका जून जुलाई में बोते हम लोग हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, ठीक है। और रबी जो होता है उसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। और जो थर्ड बोलते हैं ना जैत, जैत होता है ना उसको मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून में काट लेते हैं, मतलब मार्च से जून तक क्या होता है, जैत का होता है। तो 3 पैटर्न होता है खेती का, मैक्सिमम 2 ही होता है खरीफ और रबी। जैत क्या होता है, जो खरीफ और रबी के बीच में गैप होता है उस गैप में जैत की खेती होती है, ठीक है। तो खरीफ में क्या होता है, बरसात का मौसम होता है, रबी क्या होता है, ठंडा का मौसम होता है, और जैत क्या होता है, ना बरसात ना ठंडा, गर्मी वाला मौसम, क्या होता है, गर्मी का मौसम, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा फसल है जो उत्तरी भारत में खरीफ के समय यानी कि जून जुलाई में और दक्षिणी भारत में रबी के समय यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं तिल, क्या बोलते हैं, तिल। तिल तो आप लोगों को सुना ही होगा, तिल, ठीक है ना। तो तिल की खेती नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में होती है कब, खरीफ के टाइम में, और साउथ इंडिया में होती है कब, रबी के टाइम में, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बी, क्या आंसर है इसका, बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, यूनेस्को द्वारा किस घटना की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया, मतलब बोल सकते हैं सिंपल चीज को कि कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को ने किसको, इसमें से किसको कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। दोस्तों वो है कुंभ मेला, क्या है वो, कुंभ मेला है, ठीक है ना दोस्तों। तो कुंभ मेला को कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को के तहत शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है 4 जगह लगता है, कहाँ लगता है, 4 जगह, हमारे देश में कुंभ मेला 4 जगह लगता है, कहाँ कहाँ लगता है जान लेते हैं। पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा क्या है, उज्जैन, और चौथा है नासिक। ध्यान रखें दोस्तों, पहला कौन है, प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था लेकिन नाम बदल के क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो पहला क्या है, प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में, उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। इन 4 जगहों पर, इन 4 शहरों में क्या होता है, कुंभ का आयोजन होता है, और महाकुंभ होता है जो ना, महाकुंभ, वो हर 12 साल में एक बार ही आता है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि गैल्वनीकरण, क्या दिया है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है। देखिए जब भी हम करते हैं ना गैल्वनीकरण, तो क्या होता है, लोहे पर जिंक, जस्ता जिसे बोलते हैं, जस्ता, जिंक की परत को डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है ऐसा, इसलिए कि लोहा पर अगर जिंक रहेगा तो जो बोलते हैं ना मूर्छा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मूर्छा, जंग, जंग मूर्छा नहीं पड़ेगा, देहात में बोला था कि यार मूर्छा लग गई भाई, है ना। तो जंग नहीं लगता है,
और लोहे के परत पर जिंक का लेप लगा दिया जाए तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिन। क्या होगा? जिन। बी नंबर आंसर है इसका। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? देखिए कपास उगाने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है ना वो होती है काली मिट्टी। कौन होती है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कपास अधिक होता है, इसलिए चलिएगा महाराष्ट्र में तो वहां मिट्टी कैसी है? काली है, तो वहां कपास की खेती अधिक होती है। ठीक है, तो कपास के लिए काली मिट्टी। कौन से कपास? कौन से काली? कपास काली, कपास काली, याद कर लीजिएगा, कपास काली मिट्टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के पद से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, 2018 में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के पद पर किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं, नाम क्या है? नितिन साहनी। क्या नाम है इनका? नितिन साहनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय एकता में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और चार पुरस्कार का नीचे नाम दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है? तिलक पुरस्कार, फिर क्या दिया हुआ है? सरदार पटेल पुरस्कार, गीता चोपड़ा पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तिलक पुरस्कार। अब जरा समझते हैं कि चार पुरस्कार जो है आखिर है क्या? तिलक पुरस्कार तो सुनील क्वेश्चन की राष्ट्रीय एकता में योगदान के लिए मिलता है। ठीक है, किसका मुलायम मिला? अभी 2021 में ये सीरम इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन था पूना वाला, उसको दिया गया है। इसमें 1,00,000 रुपीज का राशि मिलता है और एक ताम्र पत्र, ठीक है, मिलता है। दूसरा क्या दिया? सरदार पटेल पुरस्कार। ये भारत में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भारत में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है? सरदार पटेल पुरस्कार। इनके नाम से जुड़ जाए, सरदार पटेल कौन थे? भारत के फर्स्ट गृह मंत्री, ठीक है ना, होम मिनिस्टर थे भारत का। और इन्होंने उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे, उन सबको एक किया था, माने जोड़ा था, ठीक है, इसलिए इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? सरदार पटेल पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्या है? गीता चोपड़ा पुरस्कार। तो गीता चोपड़ा पुरस्कार जो है ना बच्चों, ये दिया था किसको? बच्चे लोग को दिया था, छोटे बच्चे होते हैं ना जो बहादुरी काम करते हैं, वो छोटे बच्चे जो ब्रेवरी के काम करते हैं उनको गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं राजीव गांधी पुरस्कार। है ही नहीं, ये था 2020 में था राजीव गांधी पुरस्कार, 2020 में था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था नाम इसका। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार था नाम इसका। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि चेंज कर दिए हैं, नाम क्या हो गया अभी इसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि 2021 के पहले इसका नाम था क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इन प्रेजेंट क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले थे अब नहीं है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ये कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल जीनियस क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।